हाँ जी फेसबुक वालों, क्या हाल चाल? उम्मीद करता ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, ऐसे मुस्कुराते होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बीजीएम चल रहा है, अभी हम लाइव चलते हैं, काफी देर होगी, थोड़ी सेटिंग वेटिंग करते हैं, लाइव चलते हैं उनसे बातें करते हैं। वेलकम बैक जी सभी सुनने वालों को, एक दफा फिर हमारा खा देंगे 97 के लाइव स्टूडियो में आपका होस्ट आपका दोस्त आदि जुनेद इकबाल और प्रोग्राम आप समाप्त फरमा रहे, कौन सा भला की और चॉइस। अभी आप गाना समाप्त फरमा रहे थे, पिछा मोड़वे ढोला तेरी लोड़ पै गई, और इतना दुखी गाना, ओफ क्या कहने। और मैसेज आया है कि लाइबा की कॉल आई है या नहीं, लाइबा की भी कॉल नहीं आई। बिरयानी की सुलाई मारी जा रही है मुझे, क्या बात है तुम्हारी। ओके जी देखते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट किसने किया है, क्या कहते हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम डियर, आपका प्रोग्राम बहुत प्यारा है, आई एम उबैद फ्रॉम कसूर, FM 97 सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। डियर सॉन्ग कहीं दीप जले का OST लगा दें। ओके जी लगा देते हैं, पाजी भी लिखा है साथ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। और लिखा है कि अगर सॉन्ग ना प्ले किया तो 2000 और लेट आने का 1000, वैसे तो मैंने ज्यादा करने थे। ओह हो क्या कहने। ओके जी, जिन्होंने हमें फेसबुक पर ज्वाइन किया सबको वेलकम कहते हैं। क्या नाम है जी, हसनी जलाल है कहते हैं, सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। हाशिम अवान है कहते हैं, सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और किसका मैसेज है, लिखा है डियर सर जुनेद कैसे हैं आप, जिला की जगह में बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट। और लिखा है कि आई एम सायरा फ्रॉम लाहौर, कहीं दीप जले का OST लगा दें। ओहो बड़ी ज्यादा रिक्वेस्टें आ रही हैं दीप जले की। और जी मोहम्मद हारून जट है कहते हैं, सलाम अलैकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। और लिखा है कि मदसर नियाल, अस्सलाम वालेकुम जी, अजी वालेकुम अस्सलाम। और लिखा है कैसे जुनेद भाई, जिला का शुक्र ठीक ठाक। हारून भाई आप कैसे, ठीक ठाक हैं। और अख्तर महमूद कहते हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम है, थैंक यू सो मच। और क्या है जी, जॉक है बॉयज, हर सुबह 72 लड़कियां मेरा इंतजार करती हैं। अच्छा लड़का कह रहा है कि हर सुबह 72 लड़कियां मेरा इंतजार करती हैं। गर्ल कहती है वाह बड़ी बात है, ऐसे कौन से हीरो हो तुम। बॉय कहता है मैं यूनिवर्सिटी की शटल का ड्राइवर। यानी कि मुंडा बस चलाता है जी, सिंपली गल है। और लिखा है सलाम भाई कैसे हैं जी, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक फिट फांड। और लिखा है शो इज वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और लिखा है सलाम टू आवर लिसनर, दीवानी सॉन्ग चला दें, दीवानगी। ओके जी प्लीज भाई, आई एम उज्मा चौधरी। ओके उज्मा गाना लगा देते हैं दीवानगी का, दीवानगी ये वो तो नहीं है, मैं यूं खफा तो नहीं मगर गिला है मुझे, क्यों बेवफा से कोई वफा करे, रखा हुआ कैद में है उसके मन में, कहीं उसे कहो दिल मेरा रिहा करे, अब ना बना किया फना, तू ये बता थी कैसी ये दीवानगी, ओ बेवफा तेरी दीवानगी, ओ बेवफा तेरी दीवानगी, दीवानगी। और एक मैसेज आया, लिखा है अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आरजे जी, अल्लाह के शुक्र में ठीक ठाक फिट फाट। और लिखा है सब लिसनर्स को सलाम, वालेकुम अस्सलाम, हमारी हैंड फ्री बेहोश हो गई है। अच्छा सबसे डिफरेंट बात होगी इनकी। हमारी हैंड फ्री बेहोश हो गई है इसलिए हम सुन नहीं रहे, मगर हाजिरी ला दो साडी भी, और सनफे आहन का OST लगा दे, हिना जट फ्रॉम गुजरात। बहुत शुक्रिया हिना, थैंक यू सो मच। और बहुत क्यूट कमेंट था आपका। और एक मैसेज आया है, कैसे हैं जुनेद भाई, सैम राजपूत फ्रॉम खारिया, बहुत शुक्रिया जी सैम भाई, वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ओके जी हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, देखते हैं कौन है, कहाँ से क्या बात करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? असरार अहमद मुगल। असरार भाई क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? अल्लाह का करम ठीक ठाक है। नहीं गैर हाजरियां पाई, कितने घूमो जनाब, 101 कॉल मिलाई है, मार्केट में चुकी है। ओए होए होए, चुकन हो गई अवेल फिर है जी। इसको आप चाहे गलती समझे या बेध्यानी। अल्लाह पूछेगा तुम सर, कितने सियान करने ऐसी माड़े बंदे सर।
और सुनाए कैसी तबीयत शबीयत ठीक ठाक है? अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक। आपको नहीं पता कि कितनी मुश्किल से मैं प्रोग्राम सुन रहा हूँ और कॉल बना रहा हूँ। हो क्या हुआ मेरे भाई को? बस ट्रांसमिशन भी इतनी ठीक नहीं है, और फिर मैं अच्छा, कंबल से बाहर निकल के बैठ के एक शो सुन रहा ओहो, यानी कि मैं हैंडसम लग रहा हूं? नहीं, मैं साथ साथ फेसबुक पे अपना मुखड़ा भी देख रहा हूँ ना। और मेनू मुंह देख के मनु को ये याद आ गया कि मैं मुखड़े तो नजरां हटावा नी मेरे जे आहोर दिसदा। मेरे नाल मेरे अजीज भी ने सलाम ओहो, आपके अजीज कौन है? दा लेना। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है? हैं? वालेकुम, आयशा मुगल फ्रॉम गुजरात। वाह जी वाह, तुसी कितने पहुंच गए? ये देखो मुड़ा ही लग रहा है भाई ने मैनू। ओए किन्नी प्रैक्टिस की है भाई ने तुसी? भाई मुंडा नहीं, गौर करो, कर लिया तुसी पाइन अपने गौर। अपने कन्ना की खिड़की खोलो, मेरी आवाज सुनो, जो आवाज सुनो। ओ कहते ना, बस इस दिल खिड़की को खोलूं। और सुनाओ पायल सरार। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। और कुछ सुनाना चाहेंगे? अच्छा इस सवाल पे गाना सुना दे मुझे। गाना नहीं, इनको आता शेर सुनाएंगे। शेर सुना दे, शेर सुना दे। आहा। जी तो चाहता है कि लिखूं तुझे इतना, लिखूं कि तुम रो पड़े मेरे इश्क में, न तेरी आह सुनूं न तेरी चाह सुनूं, वाह क्या बात है जी, क्या बात है। ओझल हो जाऊं तेरी निगाहों ओके। से, तुम भी मुझे हवाओं में फजाओं में, मैं न मिलूं तुझे तेरी सदाओं में वाह, तेरी दुआओं में। मुशक्कत वाला काम है, क्या बात है, क्या बात है। तर पाया है तूने जिस तरह मुझे अपने आहा हिजर में, वाह, तर पाया हिजर, है जिस तरह तूने अपने हिजर में, आहा खुदा करे तू भी मेरे हिजर में ऐसे ही करते। ओए होए जी होए, तो चाहता है लिखूं तुझे इतना, लिखूं कि तू रो पड़े मेरे इश्क में। वाह वाह वाह, ये शेर नहीं सी, ये नज़म सी। पाए ना, शेर नहीं सी। वाह 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 वाह, चला एक ऐसी नज़म को हूं जो बात कहे वो हो जाए, क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया जी। और कुछ कहना चाहोगे सरार पाइन? जी बड़ा अच्छा लगा तुम्हारा शो सुन के, तो तुहानू तो अच्छा लगना ही है पाइन। तुसी सानू गाना सुनाना है, केड़ा लगाना है वो आपने? कौन सा जी? रात पहली है सुरमैया एंड पे लगेगी, सुमन रात पहली है है तेरे तेरे सुरमैया चांद की तरह। जी ये जी सही बात करें कर रहे हो। करें जी करें। ये मतलब ना शो तो करते हैं, आपका बहुत कम कॉल्स लेते हैं, हालांकि है ना, आपके शो में कॉल्स बहुत आते हैं लेकिन आप बहुत कम कॉल लेते हैं, आप बस ज्यादा से ज्यादा कॉल दिया करें ना। मैं ज्यादा से ज्यादा ना कॉल उस प्रोग्राम में लेता हूँ जिस प्रोग्राम में मैंने टॉपिक रखा रखा होता है, यानी कि मॉर्निंग वाले में। अभी तो रिक्वेस्ट आती है, मैं ऐसे फेंट रहा था रिक्वेस्ट, ऐसे आई ऐसे लगा दी। हमारी दोनों की तरफ से गुलाबाद ओके। को, सोनिया मलिक को, लैबा को, और नीला जाट, सोनिया ओके जी, मलिक, ओके, सिस्टर मरियम, तमाम को मैं तो सलाम अलैकुम, और वालेकुम अबू सलाम राबी जी, तुम्हारा वालेकुम दोस्त को सलाम, भी सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम जी, खुदा भी वालेकुम। अच्छा तुम बात कर लो जो करनी है। बस इतने जो बात करने के कर लिया ना, भाई को बोले कि ज्यादा से ज्यादा कॉल लिया करें। ओके जी, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा कॉल लेने की। और कुछ कहना चाहेंगे आप? थैंक यू, सब सुनते हैं, ओके जी, सच्चा अच्छा। वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जुबान। ये हमारा गाना जरूर आपने लगाना है, ओके जी ओके सर, हम सुन रहे हैं। ओके जी ओके, सुनना तुसी ये वे पाए ना एंड तक। ओके जी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। नाल नाल कल्याण समझ जा रहे। ओके जी ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। रात पहली तेरे जी, अभी चार सी कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद गाना लगेगा। कौन सा भी गाना लगेगा? गाना लगेगा सरमद कदीर का, गाने का नाम मैंने भूल गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बता देता हूँ। सुबह सवेरे करो ये बात, तो मंगल को होती मुलाकात, ऐसी मुलाकात। हाँ जी हारून जट, क्या कहते हैं, आप भी सुन रही हैं? कौन सुन रहे हैं? सारे सुनते हैं जी मुझे। मलिक बिलाल हैं, कहते हैं हाय, बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, थैंक यू सो मच। ओके जी बिलाल भाई, क्या कह रहे हैं आप? बर्थडे किसकी बर्थडे है? बिलाल बजाड़ हैं, बहुत शुक्रिया जी बिलाल, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। हिना जटा कहती हैं चा बिली जूनियर इत्थे आओ। अच्छा मैं तेरा कमेंट लड़की यूनिक होता है, मेरी हैंड फ्री बेहोश हो गई। वाह जी वाह। और यासिर मलिक हैं, थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आकिब हैं, कहते हैं खूब और हालात बहुत ख़राब हैं। अच्छा जी, क्या हो गया हालात को भाईजान? अरुण कहते हैं अच्छी आवाज़ है आपकी, थैंक यू सो मच जी।
वे माही घर आ यस अभी ठीक हुआ। अच्छा जी कहते हैं कि कोई सॉन्ग लगा दो। कौन है जी? मौला बख्श जट। ओए होए होए क्या बात है जी। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो जी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। और एक मैसेज आया बिलाल बिजाड़ के, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है ब्रो? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। और क्या लिखा है? सहर करीब है तारों का हाल क्या होगा, अब इंतज़ार के मारों का हाल क्या होगा, तेरी निगाह ने जुल्म कभी ये सोचा ना था। ओए मैं ये लाइव पढ़ूंगा। ओके जी वेलकम बैक, कहते हैं सभी सुनने वालों को एक दफा फिर हमारा कार्यक्रम 97 के लाइव स्टूडियो से। मैं आपका होस्ट आपका दोस्त आरजे जुनेद इकबाल। और एक मैसेज आया है बिलाल बजाड़ा, कहते हैं सलाम अलैकुम, क्या हाल है ब्रो जी? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट। और एक नज़म भेजी है, लिखा है कि सहर करीब है तारों का हाल क्या होगा, अब इंतज़ार के मारों का हाल क्या होगा, तेरी निगाह ने जालिम कभी ये सोचा है, तेरी निगाह के मारों का हाल क्या होगा, मुकाबला है तेरे हुस्न का बहारों से, न जाने आज बहारों का हाल क्या होगा, नकाब उनका उलटना तो चाहता हूँ मगर बिगड़ गए तो नज़ारों का हाल क्या होगा, मिजाज दीद ही साहिबा अगर बदल जाए तो जिंदगी की बहारों का हाल क्या होगा। अरे वाह क्या कहने। और आगे कहते हैं कि अपनी जिंदगी का एक असूल बनाओ, जो जलता है उसे और जलाओ। क्या बात है। और मैसेज आया भाई अल्लाह दे बंदे हो, मेरा भी मैसेज पढ़ लो, कॉल भी चुक लो। ओए होए होए इतने मैसेज। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्या नाम लिखा है जी, चेचिया और नाइला है मेरे ख्याल से, नाइली। भाई खतीजा आप ही से आज पूछे मेरी तरफ से, आप जोड़ा करनाना वाले घुरको से हैं। ओके जी पूछ लेते हैं, आपका शो बहुत प्यारा है, मैं हर दफ़ा सुनती हूँ बट मैसेज फर्स्ट टाइम किया। ओके जी भाई मैं बहुत उदास हूँ आज, क्या हुआ आपको? और लिखा है जी भाई जी सॉन्ग प्ले कर दे कौन सा, इश्क तो लाल है ये। ठीक होगा जी, बदुआ ड्रामे का वास्ती नहीं जी, इश्क लाल का ही है। और भाई टप्पा बहुत अच्छा था, भाई मेरे मैसेज भी पढ़ लो। खदीजा आप भी बिल्कुल साथ वाले गांव में हो रहती हो। भाई आपको पता मैं क्यों उदास हूँ, क्योंकि आई मिस समवन स्पेशल। ओहो अल्लाह दे बंदे हो, ठीक हो गया जी। और क्या मैसेज आया है कि माना कि हम बर्दाश्त जैसी कोई बात, हम में कोई बर्दाश्त जैसी बात नहीं, मगर जनाब हम जैसा होना बादशाहों की भी औकात नहीं। वाह बादशाहों जैसी बात नहीं और बादशाह जैसी औकात नहीं है किसी के होने की। भाई जी प्यार वाला गाना प्ले कर दें कौन सा जी, अबू बकर रियाज बनाली। और लिखा है कि मैं हूँ जो आपको कॉल और मैसेज करता हूँ। ओके जी तुसी ये जड़े मनु तान कर दे। भाई जी मजाक कर रहा हूँ, आप कहाँ पे रहते हो? मैं घर में रहता हूँ। भाई सुनने वालों को कहें कि उसामा के लिए दुआ करें, उसामा के दिल की दुआएं अल्लाह आप कबूल कर लें, आमीन। और आप ही ख़ास कर आप ही खतीजा को बोल दें। ओके जी केड़ी दुआ है तुहाडे दिल च सानू भी दसो। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। और लिखा है कैसे मिजाज हैं जी? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। और लिखा है कि आवाज़ दो ना भाई थोड़ी। कौन सी आवाज़ दूँ मैं? भाई जान ब्रेक दी आवाज़ थोड़ी कर दिया करो, तो जिसने हैंड फ्री लाई होंगी है उन्होंने त्रा निकल जाता है।
आय हाय, मरियम आपी और उदास बारी दोनों को, दोनों नहीं आए अभी तक। किधर हैं वो भाई? आ जाते हैं वो भी, उन्होंने आना ही है। और लिखा है आय हाय आय ओए, डीजे भी है तुसी ते हैं बने बनाए जी। आगे जी बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रैक की जानिब, देखते हैं कौन सा गाना है अगला हमारा। कहीं दीप जले का ओएसटी या गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट के वापस आएंगे आपके साथ, करेंगे ढेर सारी बात। लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं कौन है, कहाँ से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मैं वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से? लाइलाई बात कर रही हूँ जी। मैं कह मैं इतनी दफा मैं नहीं तो मैंने तो नहीं, मैं बोला था आपको। आपने बोला ना मैं नायला बात कर रही हूँ। नायला कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। नायला कहाँ से बात कर रही हैं आप? गांव के साथ ही हो और तो तो की पता खदीजा स्कूल को तो ना आए फिर। ना, तो फिर जिस कुछ को से वो उसी के साथ आपने जोड़ा अच्छा, आप कहाँ से हैं? से हैं? किधर से? जोड़ा कर नाना चीजिए कोई अच्छा, जोड़ा करनाना, अख्तर करनाना, जोड़ा करनाना। अच्छा ये क्या मतलब, अख्तर करनाना, जोड़ा करनाना, करनाना क्या मतलब इसका? नाना एक गाँव है अख्तर करनाना उसका नाम है। ये और जोड़ा करनाना साथ हटाया था नाना इसलिए नहीं, मतलब ये को भाई थे आपस में? शायद आपको अपने गांव की हिस्ट्री नहीं पता? हम अभी इतने पुराने तो नहीं है ना अच्छा आपको ये पता है, छोटी ए बी सी बड़ी ए बी सी तो किन्नी छोटी है? ये भी नहीं पता, बच्चों वाले सवाल भी नहीं पता। कॉल करिए पहले तो आप मुझे ये बताओ ना मेरी कॉल भी नहीं उठा रहे थे। हाँ देखें, उठा नहीं ली मैंने, कब नहीं उठाई भला? दीदी पता नहीं कैसे की है मैंने कॉल तो आपने उठाई। मिस मैं ना उठा के जाना किधर है, इधर ही हूं मैं, मैंने उठानी नहीं कॉल। राज भाई से पहले मैंने कॉल की है आपने मेरी नहीं उठाई उनके उठा रही थी। मेरे पास कौन सा आता है, ये नायला का नंबर है जी, इसको उठा लो। या ये नायला का, इसको नहीं उठाना है, सरार पाइंदा चुक लो। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाइन। अच्छा नायला, कुछ सुनाना चाहेंगी आप? सुनाना तो बहुत कुछ था जो सुना दे, सारा कुछ सुना दे, जो जो सुनाना है आज आपने। हाँ जी, कौन सा जी? पेशे खिदमत करें। बात ही ऐसी थी आहा, उसमें कुछ बात ही ऐसी थी समवन स्पेशल के लिए है ना? ओके ओके ओके, कैरी ऑन कैरी ऑन। देते तो जान चली जाती। ओए होए होए होए, उसमें कुछ बात ही ऐसी थी, दिल ना देते तो जान चली जाती। क्या बात थी उसमें? सबको नहीं ना बताते जाएगी ओए होए, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी हैं। अब तो आज उसके लिए कि हमारी दुआएं कबूल कर ले। अल्लाह करे आपकी हर जायज ख्वाहिश और दुआ कबूल करे, आमीन। इंशाल्लाह जायज है, कोई नाजायज नहीं है। अरे नहीं देखे मैंने कितनी अच्छी दुआ मांगी है, कोई कोई बंदा ऐसी दुआएं मांगता है पता है आपको? हाँ भाई ये तो बात है, जी, जो आपके हक में बेहतर है अल्लाह आपके लिए वो करे। और जी और कुछ कहना चाहेंगी, कुछ सुनाना चाहेंगी हमें? तमाम तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। और अगर कोई मेरा जानने वाला या मेरा रिश्ता सुन रहा है ना, मेरा हाँ कोई फैमिली मेंबर, तो प्लीज उससे मेरी रिक्वेस्ट है सुबह आके हमारे घर मेरी मेरे साथ लड़ाई ना करे। लो जी, जेड़ा जोड़े करनाने थी या अख्तर करनाने, तो सोने वाला दिकार जाके लड़ाई ना करे हो। ओके जी, मैं भी कहता अपने लो। ये सब लोग ऐसे कहते हैं ना, ये बहुत बुरी आदत है इनमें। तुमने अभी कॉल की थी आई एन जी ये वो ओके जी, कोई गल नहीं, खैर है, तुसी सुन लवियो। और कुछ कहना चाहेंगी आप? आप सॉन्ग सुनाए ना वो इश्क तो लाल है,
और लगाना है मेरी पसंद का वो वाला बद्दुआ ड्रामे का। पहले बताएं कौन सा, दोनों में से एक लगवा लें आज। अच्छा चलिए इश्क लाल लगा। आए दिल की रग रग से टपका हुआ है लहू, ये ये वाले। मैंने उस दिन सुना था, आपने लगाया था, आपने बोला था मुझे ये बहुत पसंद है, साथ में आपने पोइट्री भी पढ़ी थी, फिर गाने का कोई मजा नहीं आया था, इसलिए आज सिर्फ यही लगाना है। आगे जी मैं लगा देता हूँ अभी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और जी गाना सुनते हैं, इश्क तो लाल है, बल्कि नहीं कहीं दीप जलेगा ओएसटी, उसके बाद इश्क तो लाल है एंड में लगाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा हमारा कहानी 97। ओके जी, सलीम सानिया कहते हैं कि मुक्के मयाद ता लोहे भी गल वेंदे ने, ऐता मुड़ भी सजना परीते, ऐता मुड़ भी सजना परीते, कहीं टुर गईयां नाल बहारां दे गा कोयला प्यार दे गीते, वाह तेरे नाल हयात तवेकली काई नहीं, ए ता जग दी रसम ते रीते, दा कोई नहीं सजदे बख्तां दे ठे जावे जदन मसीह ते। वाह जी वाह, क्या बात है, पंजाबी था लेकिन मैंने पढ़ दिया इसका फिर भी। और हमदुल्ला हैं कहते हैं कि गुस्से के एक लम्हे में सब्र का एक लम्हा हज़ार लम्हों के अफसोस को रोकता है। गुस्से वालों ज़रा ध्यान से सुनो। और बहुत सारे जनाब मैसेजेस आए हैं, थैंक यू सो मच सबका। और फेसबुक वालों भी ज़्यादा चाहेंगे, जहाँ रहे खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। उन लोगों का ख्याल रखें जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। दुआ में याद रखिएगा, अगर सांस ने वफागी दिल सीने में धक धक धड़कता रहा तो दोबारा हम कलाम होने का शर्फ हासिल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद। अच्छा एक मेरा दोस्त है, वो भी हाथों से ऐसे ऐसे करके बात करता है, उसने मुझे बताया कि मैं हाथों से जो है वो बात करता हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।